शिवसेना अफजल वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल व महाराष्ट्र राज्य महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ पनवेल आरटीओ में ड्यूटी पर तैनात डिप्टी आरटीओ अनिल पाटिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, शिवसेना अफजल वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र राज्य का सबसे भ्रष्ट आरटीओ ऑफिस पनवेल आरटीओ ऑफिस है, जहां पर पनवेल आरटीओ के डिप्टी आरटीओ ऑफिसर अनिल पाटिल के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से बड़े पैमाने पर पनवेल आरटीओ की हद में इलीगल तरीके से ओवरलोड गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि इलीगल तरीके से गाड़ी चलाने वाले गाड़ी के मालिक हो या गाड़ी का ड्राइवर हो, सभी से अच्छा खासा पैसा वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से अच्छे और ईमानदार ट्रांसपोर्टर को सताया जा रहा है और उनकी गाड़ियां चलाने से रोका जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जिसमें इंद्रजीत सिंह बल ने यह भी कहा कि आने वाले 15 मई तक पनवेल आरटीओ के अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा। साथ ही शिवसेना अफजल वाहतुक सेना के सभी पदाधिकारी अनशन पर बैठेंगे और इसका जवाबदार सिर्फ पनवेल आरटीओ के डिप्टी आरटीओ ऑफिसर अनिल पाटिल होंगे। पनवेल आरटीओ के बाद ही अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इंद्रजीत सिंह बल नवी मुंबई के वाशी आरटीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी ने इलीगल चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। देखिए राज्य ऐसा है कि ये नवी मुंबई के जो ये अपना वाशी आरटीओ है, पहले हम सुबह पनवेल गए थे तो इस एरिया में भी ये ट्रांसपोर्ट हब है, ये पूरी मार्केट है, मेन अनाज मार्केट जहाँ से गाड़ियाँ पूरे मुंबई नवी मुंबई में सप्लाई होती है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ऐसा है कि जो बस वाले यहाँ से काफ़ी सामान विदाउट जीएसटी और विदाउट कोई बिल के इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई उन पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनके विचारों के मतलब ट्रांसपोर्ट का धंधे का नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये लोगों को परमिट जो सरकार ने दिया हुआ है बस वालों को, वो सिर्फ एक जगह से पैसेंजर लेके बीच में कहीं भी ये पैसेंजर लोड नहीं कर सकते, ये फिर भी इलीगल तरीके से रास्ते से पैसेंजर उठाते हैं। अब ये बाशी आरटीओ की सराहना करनी होगी कि ये मुद्दा हमने काफ़ी सालों से हमारा चल रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा नक्सेस है, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट भी मिले हुए हैं इनसे, कोई इन पे कार्रवाई करता नहीं है। ये बहुत बड़ा ये नक्सेस है और ये पहले इनिशिएटिव ये हमारी जो आवासीय आरटीओ की मैडम है, इन्होंने लिया और बहुत अच्छा लिया, हम इनके साथ में हैं और हम ये अभी इसको इस मुहिम को बाकी आरटीओ को भी जोर लगाएंगे कि इनके इनको सहकार्य करें, क्योंकि अब क्या होगा कि इनके ये कार्रवाई कर रही है तो गाड़ियाँ डाइवर्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्शन है कि पहले क्या होता था कि आप अगर किसी को बोलते थे चालान फाड़ के दे देता था, इन्होंने जो अनलोडिंग करके वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट करने बोला है तो ये बहुत अच्छा है, ये सराहनीय है। मतलब इनको बाकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ता था, मतलब बाकी प्राइवेट जो देखिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाई इनका धंधा खराब होता है, इनको जो जो माल जो गुड्स माल है वो ट्रक में जाना चाहिए, जो बसें लेके जाती हैं, बसों का काम कोरियर सर्विस नहीं है, बसों का काम है खाली पैसेंजर को लेके जाना, उनको जो गवर्नमेंट ने परमिट दिया पैसेंजर का दिया, एक्सीडेंट होते हैं इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और उसमें और इनको पैसेंजर में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनको माल पूरी डिक्की इनकी माल भरी होती है, पहले ये ऊपर लोड करते थे वो नज़र में आता था, अब इन्होंने डिक्कियाँ इतनी बड़ी बना ली हैं कि एक ट्रक का माल पूरा उसमें आ जाता है। तो ये अब आगे ये जो हमारी मुहिम हम मुंबई में भी वडाला आरटीओ को भी बोलेंगे, साइन में भी आप देखिए आपको भी लेके चलेंगे साथ में, कैसे इलीगल तरीके से विदाउट जीएसटी विदाउट ई वे बिल और इनकी जो दो नंबर का धंधा चल रहा है और उसका इफेक्ट हम ट्रांसपोर्टर को हो रहा है और हम ट्रांसपोर्टर बदनाम हो रहे हैं और हमारा धंधा भी नुकसान हो रहा है। तो ये अब कार्रवाई अब नवी मुंबई में है, अब आगे मुंबई में भी शुरू करवाएंगे। शिवसेना अफजल वाहतुक सेना के माध्यम से आगे किस तरह की प्रक्रिया होगी या किस तरह का हम लोग आगे अभी देखिए हमने इनसे सबसे रिक्वेस्ट की है, अब हमारी दो तीन दिन में टीसी ऑफिस में मीटिंग है, हमने इनको रिक्वेस्ट किया हमें स्क्वाड चाहिए, ये जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और जो ओवरलोडिंग करते हैं और जो भोगस परमिशनों के साथ में चलते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अगर इन आरटीओ सहकार्य करने के लिए तैयार है और 15 तारीख तक हम इनकी वेट करेंगे, अगर इन्होंने हमको सहकार्य नहीं किया तो फिर अफजल वाहतुक सेना अपने स्टाइल में काम करेगी, इनको पता ही है हमारा एक रिजल्ट हमने पहले भी इनको दिया हुआ है। जो गाड़ियों के परमिट नहीं है उन्हें भी परमिशन दी जा रही है और झूठी परमिशनें ले लेके लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं जिनके परमिट सस्पेंड है और इन्हीं के आजू बाजू के परिसर में रोज की हज़ार एक गाड़ी ओवरलोड निकलती हैं और ये सब देखते हुए भी ये अपनी आंखें बंद रखते हैं। जो इनके आरटीओ के ड्राइवर हैं
उनकी एजेंट लोगों से सेटिंग है, वो क्या करते हैं कि जिस रूट से ओवरलोड गाड़ियां आती हैं उस रूट पे जाते ही नहीं, पहले ही एजेंट लोग को इंटीमेशन दे देते हैं कि आरटीओ यहाँ पे खड़ा है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं कि जो बाहर अदर स्टेट से गाड़ियां यहाँ पे आती हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जो हमारी स्टेट की गाड़ियाँ उस अदर स्टेट में जाती हैं उनको वहाँ पर अलग ट्रीटमेंट मिलती है, और जो हमारे यहाँ के स्थानिक लोग हैं और जो यहाँ के जो सिंगल ऑपरेटर हैं उनका काम यहाँ से दिन ब दिन कम होता जा रहा है और उनको ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो ये सब मुद्दे थे। अब इनको 15 दिन का टाइम दिया है, अगर 15 दिन में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने तो ये भी बोला कि हमारे पदाधिकारी साथ में जाएंगे, आप हम स्क्वाड प्रोवाइड करवाइए, तो इन्होंने अभी मान्य किया कि ठीक है हम देते हैं, अगर ये आने वाली 15 तारीख तक नहीं कुछ प्रोवाइड किया तो फिर यहाँ पर इनके सामने ही आंदोलन करेंगे। अधिकारी से आप मिले, उनको निवेदन दिए, उनकी तरफ से क्या सुझाव है? अधिकारी तो पॉजिटिव हैं, जो इनके जो मेन ऑफिसर हैं वो आज टीसी ऑफिस में गए हुए हैं, तो उनसे भी 2-3 दिन में मिलेंगे, बोलते हैं हम उन फ़ोन पे बात हुई है, वो भी पॉजिटिव हैं, उन्हें भी पता है क्या हो रहा है। लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं जैसे इनके अनिल पाटिल हैं, उनको कोई कंट्रोल ही नहीं है, उन्होंने यहाँ पर एकदम आग बंद करके रखी हुई है, सब उनके अंडर में ही ये सब जो भी ये कारोबार चल रहा है उनके अंडर में चल रहा है और उनको पता है सब, फिर भी अनदेखा करते हैं। आने वाले दिनों में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है या आप लोग की मांग पूरी होती है तो क्या आगे मोर्चा निकालने की तैयारी है, किस तरह? जरूर निकालेंगे जी, मोर्चा भी निकालेंगे, यहाँ पे आंदोलन करेंगे और टीसी ऑफिस में भी जाके बताएंगे कि ये जो अनिल पाटिल है इनको यहाँ से और कहीं भेजा जाए, जो कि ये कि आजू बाजू का परिसर सुधर जाए, क्योंकि ये जितना यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है उसका जिम्मेदार भी अनिल पाटिल है, क्योंकि ओवरलोड गाड़ियाँ जो यहाँ पर चलती हैं उनकी वजह से रोज़ बाइक वाले कभी मर रहे हैं, कभी रिक्शे वाले मर रहे हैं, और जो गाड़ी आप जो गाड़ी की कैपेसिटी 10 टन है उसको 30-30 टन माल डालेंगे तो नेचुरली उसकी ब्रेक नहीं लगेगी, तो उसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है, इनको तो अपनी खाली जेब से मतलब है। क्या कहेंगे ये जो महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब ने बताया कि ओवरलोड का मुद्दा बहुत बड़ा है, दूसरा कि जैसे अदर स्टेट से गाड़ी महाराष्ट्र में आती है तो उसको कोई रुकावट नहीं, उसके पेपर चेक नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो गाड़ी चोरी की कि लीगल है, परमिट कैंसिल है कि है नहीं, कुछ देखा नहीं जाता। और महाराष्ट्र की कोई गाड़ी गुजरात बॉर्डर पे चली जाए, गुजरात में चली जाए, उसको हर चीज़ के ऊपर धोता है, क्या पेपर से लेके चेसी प्रिंट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक चेक होता है। तो यही मांगे आज हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है बल साहब और हमारी कमेटी ने रखी है कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए, खासकर ओवरलोड का मुद्दा जो है, जिसपे एक्सीडेंट का भी मुद्दा है, लोगों की भलाई का भी मुद्दा है, और जो सिंगल ओनर है, जैसे कि मेरा ले लो, मेरा खुद का एक ट्रक है और यहाँ पे 10 ट्रक वाले जो है वो 10 टन की जगह 40 टन 30 टन 45 टन माल भर के भेज रहे हैं, और जो हम जैसे सिंगल लोग हैं वो रह गए अकेले, उनको माल भरने नहीं मिल रहा है। अगर यही इनका कानून जो अपना आरटीओ वाले है बराबर अगर उस पर नजर रखें तो जो 10 टन माल भर के जाए बाकी 30 टन है वो 3 लोग को और मिलता है यूज़ करने के लिए, 3 गाड़ी जो खड़ी है सिंगल उनको भी रोजी रोटी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे 3-4 मुद्दे हैं, एक्सीडेंट का मुद्दा भी है, रोजी रोटी का मुद्दा भी, जो सिंगल ओनर है उनका भी मुद्दा है। ये सब चीज़ों पर हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और हमारी कमेटी ने उनको दिया है और निवेदन 15 दिन के टाइम के साथ दिया। अगर नहीं होता 15 दिन में कुछ, जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि मोर्चा भी होगा, भूख हड़ताल पर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे आरटीओ के बाहर, और कोई काम यहाँ होने देंगे नहीं। त्यांचं जे काही निवेदन होतं ते निवेदन आम्ही ॲक्सेप्ट करतो आणि त्याच्यानुसार आमच्या फ्लाइंग स्क्वॉड ला आदेशित देऊन कारवाई केली जाईल। तुम्ही एक मोठा कारवाई केला, जी बस आहे प्रायव्हेट बस त्याच्यामध्ये भरपूर लगेज असतं, त्याच्यावरती तुम्ही कारवाई केलं, काय नेमकी घटना आहे काय? साधारणतः आमच्या इथून जे काही टपावरून वाहतूक केली जाते मालाची, त्या बसेसवर मोठ्या प्रमाणात वाशी उपप्रदेशी परिवहन कार्यालयामार्फत कारवाई करण्यात आलेली आहे। वाशी टोल ह्या नाक्यावर ह्या ठिकाणी आमचं फ्लाइंग स्क्वॉड दररोज उभे असते आणि जे काही टपावरून वाहतूक करतात बसेस त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते। पूर्वी जी या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली जात होती आता बऱ्यापैकी म्हणजे 90% प्रमाण कमी झालेलं आहे टपावरून वाहतूक करण्याचं आणि ही कारवाई अशीच यापुढे चालू राहील असं मी सांगते। आतापर्यंत किती गाड्यांवरती कारवाई झाली? साधारणतः आतापर्यंत 150 बसेसवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। लोकांना काय आवाहन करणार आहे? कारण लोकांना एकच आवाहन करेल की जे काही अपघाताचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्यात करून बस हा तसा सेन्सिटिव्ह पार्ट भाग आहे वाहतुकी प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी, तर अशा वेळेस त्यांनी केवळ प्रवाशांचीच वाहतूक करावी, मालाची वाहतूक करू नये। सर्व बसधारकांना मी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत आवाहन करते।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।